ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 कपिल के कार्यकलाप अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 11। श्रद्धत्स्व एतत् मतं मह्यं जुष्टं यत् ब्रह्मवादिभिः येन माम् अभयं यायाः मृत्युं ऋच्छन्ति अतत् विदः। श्रद्धत्स्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन माम भयं याया मृत्युं ऋच्छन्त्यतद्विदः। श्रद्धत्स्व आप आश्वस्त रहें एतत् इस विषय में मतं उपदेश मह्यं मेरा जुष्टम पालन किया गया यत जो ब्रह्मवादी भी आध्यात्मवादियों द्वारा ये न जिससे माम मुझको अभयम भय रहित यायाह तुम पहुँचोगी मृत्युम मृत्यु को ऋच्छन्ति प्राप्त करते हैं अतत् विदः जो लोग इससे अवगत नहीं हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुँचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं वह जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तात्पर्य, यह संसार चिंताओं से पूर्ण है अतः भयावह है। जो इस संसार से छूट जाता है वह स्वतः सभी चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं वह आसानी से मुक्त हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनीति नामिने। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कपिल मुनि उन्होंने अभी तक जो उपदेश दिए हैं उसको पालन करने से क्या
प्राप्त होता है उसके विषय में बता रहे हैं। और बताया है जो भी आध्यात्मिक जीवन में गंभीर हैं तो उनको तो इन उपदेशों को पालन करना ही है। तो इसलिए यहाँ कपिल देव कह रहे हैं जो लोग वास्तव में आध्यात्मवादी हैं, तो जो लोग वास्तव में आध्यात्मवादी हैं वह निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो तो कपिल देव ने अभी तक जो भी उपदेश दिए उसका जो पालन नहीं करता वो वास्तविक आध्यात्मवादी नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो उपदेश पालन करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए उपदेश क्या है। तो इसका मतलब क्या है, अगर उपदेश आपको पता नहीं है तो फिर आप वास्तविक आध्यात्मवादी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं है और आप पालन कर लो, है ना। पता होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं इससे पहले के अध्यायों में कपिल देव ने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इतने सारे उपदेश दिए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, भक्ति मार्ग जो है, और सांख्य की दृष्टि से वो उसको समझा रहे हैं, पूरा विश्लेषण करके, भौतिक तत्वों का सारा विश्लेषण करके फिर जो है आत्मा के कार्यों में कैसे लगना है इसके विषय में बहुत विस्तार से कपिल मुनि ने बताया है। होता है उसमें से अगर एक भी उपदेश अगर हम नहीं पालन करेंगे, उपदेश पालन कर लो ना सारे, ठीक है, उसमें से एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर यहां बता रहे हैं जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं, है ना, अवगत नहीं है, और जो पालन हो सकता है अवगत है लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अवगत नहीं होने के जैसे ही हैं, तो वह जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। और साथ ही साथ आश्वासन भी दे रहे हैं कि आप आश्वस्त रहिए, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगे, सम्यक रीति चलना मतलब जैसा बताया है वैसा करें, ठीक है, एज इट इज, यहाँ वही बात हो रही है, हाँ, कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज इट इज, जो उपदेश दिया है उसको यथारूप उसको पालन करना है, तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगे। तब बताए तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर यथारूप हम पालन करेंगे तो हम इस भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान तक पहुंच सकेंगे। तो इस भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। हमने पिछले तात्पर्य में इस चीज़ को समझा कि कैसे इस जगत में रहकर भी जीव जो है वो मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त सा उच्यते, जीवन मुक्त के विषय में बात हो रही थी ना पिछले तात्पर्य में, तो वहाँ पर ये बात आ रही थी कि जीवन मुक्त का अर्थ क्या है, कि जो भौतिक अवधारणाएं हैं जीवन की, जीवन के प्रति जो भौतिक दृष्टिकोण है उससे मुक्त होना, तो उससे कोई अगर मुक्त है तो इसका मतलब वो जीवन मुक्त है। होता है इन भौतिक अवधारणाओं से मुक्त होना सरल नहीं है, क्योंकि ये जगत पूरा संसार जो है माया के तीन गुणों से प्रभावित है, और तीन गुणों के अंतर्गत जितने भी इस जगत में विचार हैं वो सब इन तीन गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, कोई भी विचार जो मनोकल्पित है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो अपूर्ण ही होगा हमेशा। तो और समस्या क्या है हमारे साथ, कि हम मन की ही सुनते हैं, है ना, मन की, या मन को जिसको अच्छा लग रहा है सुनने में तो उसकी हम सुनेंगे, जो जैसा हमारे अनुसार बोल रहा है उसको सुनना पसंद करते हैं। तो अंतोगत्वा होता क्या है कि हमारे जो अवधारणा है वो बनी रहती है, अर्थात हमारे जो विचारधारा है वो हमेशा भौतिक स्तर पर ही चलती है, आध्यात्मिक स्तर पर कभी आ ही नहीं पाती, मटेरियल प्लेटफॉर्म बताया। तो जैसे
बहुत बार उदाहरण दिया है, जैसे मान लीजिए अगर आप गणित का कोई प्रश्न जो है उसको हल कर रहे हैं, तो गणित गणित तो पढ़ी होगी सबने, नहीं मैथमेटिक्स, उसमें से कभी कभी क्वेश्चन सिंपल अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं नहीं, एलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे आए कि आपको ये प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। बहुत उसमें उसमें बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो मान लो अगर आपने पहला ही स्टेप अगर गलत कर दिया, पहला स्टेप अगर आपने गलत किया, तो कोई संभावना है कि आप सॉल्यूशन पे आ पाओगे? पहला ही स्टेप गलत है आपका तो कोई संभावना नहीं है कि आप जो है सही समाधान पर आ पाएंगे। और आप अपना कितना भी सर फोड़ लो, है ना, कई बार बच्चे जो है ऐसे पागल भी हो जाते हैं, क्या मैं सब जो है सब चीज़ मैंने कर ली लेकिन आंसर आ ही नहीं रहा है हैं। और फिर कोई जानने वाला है उसके पास जब ले जाते तो बताते तुमने पहला ही स्टेप तुम्हारा गलत है। तो भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है, उनका पहला स्टेप ही गलत है। तो पहला स्टेप क्या है? ये सोचना कि मैं ये शरीर हूँ, बस। तो आप बस शरीर, तो बस अब उसके उस बेसिस पे हम सब कुछ सोच रहे हैं, सारी सारी हमारी विचारधारा उसी के बेसिस पे है। तो इसलिए क्या होगा, जब तक भौतिक सोच जो है वो आधार रहेगी, है ना, तो आप जो भी सोच रहे हो सब क्या है, भौतिक कलमश से कलुषित है। और इसलिए फिर देखते हैं, इसलिए परिणाम हमेशा उल्टा ही होता है। इसलिए भौतिक स्तर पे जो भी व्यक्ति कर रहा है, सोच रहा है, तो वो सोचता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में उसे वो सुख कभी नहीं मिलता, उसे उल्टे ही परिणाम मिलते हैं हमेशा। तो कारण क्या है? क्योंकि उसके सारे विचार भौतिक कलमश से युक्त हैं। और सबसे जो है दुर्भाग्य की बात जो है कि वो इसकी भयावह स्थिति को नहीं समझता। मतलब ये जो भौतिक हम जो भी विचार कर रहे हैं, अगर वो भौतिक गुणों से कलुषित है, तो उस विचार पर कार्य करने का परिणाम भयावह ही होने वाला है, ये कोई नहीं समझ पाता। स्पेशली बद्ध जीव तो इसको समझ ही नहीं पाता। इसे इसलिए बताया, ये भौतिक जगत क्या है, बहुत ही भयानक जगह है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर पद पे यहाँ खतरा है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का तो खतरा है ही हमेशा। और जो तीन क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, इसका खतरा हमेशा है, कभी भी ये बढ़ सकते हैं इसकी मात्रा, कभी भी। आप सोचो अभी आप जैसे कुछ जो हैं, हम जैसे हम लोग अभी इस भ्रम में हो सकते हैं कि अभी बढ़िया वातावरण है, नहीं, अभी जो है हम यहाँ बैठ के शांति से प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, और ऐसे ही बढ़िया वातावरण चलने वाला है, शांति हमेशा बनी रहेगी, है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी भी यहाँ पर ही बम गिर सकता है। और जब बम गिरेगा तो आप आश्चर्य तो सोचते, अरे कैसे गिर गया बम हैं। जैसे अभी अगर आप लोग यूक्रेन में बैठे होते तो यही हो रहा होता, बम गिर रहे होते, है ना, और पता नहीं जो है ऐसे बैठ के प्रवचन सुन पाते नहीं सुन पाते है ना, व्याकुल हो जाते, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इतनी मेहनत से जो है एडवांसमेंट किया इतना, और कोई आके जो है ऐसे गोलाबारी करके सब हैं कुछ ही दिनों में सब तहस नहस कर दिया। से बता रहे थे यूक्रेन में अभी भी जो लोग हैं उनको अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके ऊपर जो है बम गिराए जा रहे हैं। या जब होगा तो विश्वास नहीं होगा, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि आप अज्ञान में हो, आप जो है समझ नहीं रहे हो। इसलिए आप देखो, इसलिए कपिल मुनि ने क्यों इतना काल के विषय में बताया, है ना, काल सब कुछ नष्ट कर देगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन को समझना,
और उसके अनुसार फिर जीवन जीना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझेंगे तो हम जो भी कर रहे हैं अंतोगत्वा हम अपने लिए भयानक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो वही मृत्यु इस जन्म में भी हम इस जीवन में मृत्यु को देखेंगे और फिर अगले जीवन में भी मृत्यु को देखेंगे। ऐसी जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहेगा और बहुत भयानक है, क्योंकि इवन मेरे बोलने में पता नहीं आप लोग कितना उसको समझ पा रहे होंगे कि जो है वो जब स्थिति आती है तो कितनी कष्टदायक है। क्योंकि उस सिचुएशन में जब तक हम नहीं है तब तक हम नहीं समझ सकते कि उसमें जो व्यक्ति है उसकी क्या पीड़ा है, उसके क्या कष्ट हैं। बहुत बार होता है ऐसा, है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि वो ऐसा हुआ है ना कि एक व्यक्ति था, दूसरे व्यक्ति को बहुत जो है वो क्रिटिसाइज करता था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति की स्थिति में आया तो बोलता हाँ प्रभु जी अभी मैं समझा कि वो जो है कैसी स्थिति में थे। हाँ तो ये होता है बहुत बार, जो है हमें नहीं समझ में आता है कि एक जो व्यक्ति जिस स्थिति में है तो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं उसकी। तो इसलिए हम देखते हैं हम जिस स्थिति में हैं तो हमारी समस्याएं बहुत बड़ी लगती है ना, और हमें क्या लगता है कि समस्या का हम समाधान कर देंगे अपनी बुद्धि से, ये और बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए बताया है व्यक्ति जो है अपने लिए हमेशा भयानक स्थिति क्रिएट करता ही रहता है। तो भयानक स्थिति कैसे, क्योंकि वो इस भौतिक संसार में ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जो धारणा है, जो मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ है ना, भौतिक सोच है, भौतिक विचार जीवन के प्रति है, वो जाती नहीं है और उसी के आधार पर सब कुछ सोचता रहता है, वो सब कुछ करता रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं भगवद गीता का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। पहले अपना बेसिक ठीक करो, पहले फर्स्ट स्टेप सही करो। तो इसलिए ये फिर आधार होना चाहिए हर विचार का, हर सोच का, क्योंकि अगर ये समझ नहीं है कि हम आत्मा हैं तो फिर हम सब कुछ शरीर के लिए करते रहेंगे और ये भयावह भौतिक कलमश में पड़े रहेंगे, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। और ये पता है, देखिए हम भगवद गीता और भागवतम पढ़ रहे हैं तो इससे हमें एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन अधिकतर बद्ध जीवों को तो ये पता भी नहीं है। इसलिए भी यहाँ पर कपिल मुनि ये जोर दे रहे हैं कि हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं है तो जानते नहीं, जो कि अधिकतर लोग हैं इस भौतिक जगत में, वह जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते, वो जन्म मृत्यु चक्र में फंसे रहने वाले हैं। तो इसलिए अगर कोई गंभीर है जन्म मृत्यु चक्र से निकलने के लिए तो फिर सबसे पहले वो समझना पड़ेगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और अब आत्मा के लिए क्या क्या कार्य करने हैं आत्मा को इस चक्र से मुक्त करने के लिए, तो वो कार्य करने हैं और सारे विचार उस दिशा में होने चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे ही फिर ये विचार आता है तो फिर बहुत सारे नियम आ जाते हैं, प्रतिबंध आ जाते हैं, और जो कि कलयुग के लोगों को, और कलयुग में ज़्यादा है उसकी प्रवृत्ति, लेकिन हर युग में देखा जाए इस भौतिक जगत में एक बद्ध जीव की वृत्ति है स्वतंत्र होने की। स्वतंत्र होने के लिए तो आया है इस जगत में, वो भगवान के ऊपर निर्भर रह के वो जीना नहीं चाहता, है ना, वो सोचना चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। तो उस विचारधारा को वो इंजॉय करना चाहता है ना, उसका वो जो है उसको भोग करना चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं करता हूँ, मैं नियंता हूँ। तो उसी के लिए उसको इस भौतिक जगत में भेजा गया है। तो अब अगर वो उसी विचारधारा को अगर कल्टीवेट कर रहा है तो इधर ही रहने वाला है, उसके लिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। और बताया है, और अगर यहाँ रहने वाला है तो यह संसार चिंताओं से पूर्ण है, अतः भयावह है। तो इसलिए इस संसार को एक और नाम से बुलाते हैं, कुंठ लोक, है ना, एक है वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहाँ पर कोई भी चिंताएं नहीं है, और कुंठ मतलब जहाँ पर बहुत सारी चिंताएं। हाँ, चिंताम अपरियाम प्रलयांताम उपाश्रिता, प्रलय तक, सृष्टि से लेके प्रलय तक जो है चिंता चलती रहेगी, कोई अंत नहीं है उसका। तो
और इसका मूल क्या है, जड़ क्या है, जो ये भोग वृत्ति है, जो ये और भोग वृत्ति क्यों है, जो भौतिक विचारधारा है इसके कारण। तो अंतोगत्वा सभी समस्या की जड़ क्या है, जो भौतिक विचारधारा है। विचार तो भौतिक विचारधारा मतलब कि ये सोचना कि मैं शरीर हूँ और फिर उसके अनुसार फिर सारी चीज़ें सोचना। और बताया है जो भक्त हैं अभक्त हैं, अभक्तों के लिए तो ये एक है भयानक जगह है ना। फिर कभी कभी शास्त्रों में ये वर्णन भी आता है कि एक भक्त के लिए वो चाहे कहीं पर भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो चाहे से नरक में भी हो, नरक भी बहुत भयानक जगह है। यहाँ हम देखते हैं कपिल मुनि ने अपने उपदेशों में वर्णन किया नरक का भी, है ना। नरक का वर्णन किया ना, कैसे जीव की गति है, जीव कैसे नरक जाता है, फिर वापस उसको फिर निम्न योनियाँ मिलती हैं, फिर वापस मनुष्य नहीं मिलती है, फिर वो सारे पाप कार्य करता है, फिर से उसको नरक जाना पड़ता है। तो और नरक में उसे कैसी यातनाएं मिलती हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन कपिल मुनि ने यहाँ पर किया। तो क्या वो वर्णन बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में? हाँ, बहुत ही बढ़िया था वर्णन। यहाँ बताया भयावह, तो भयावह देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तीन क्लेश तो है ही, भयानक है ही, लेकिन बताए इवन मृत्यु के बाद भी आप जब नरक जाएंगे, हम सब गए हैं एक्चुअली। बताया भागवतम में ऐसे हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा इतिहास है, हम सबका इतिहास है। तो कितनी यातनाएं हमने झेली हैं, तो कितना भयानक है ये भौतिक जगत, और इसमें बने रहना वो कितना भयानक है। और ये सब ये तथ्य पता होने के बाद और प्रक्रिया में लगने के बाद भी अगर हम भौतिक विचार को बनाए हुए हैं तो और मतलब कितनी फिर तो दुर्भाग्य वाली बात है। तो इसलिए एक भक्त के लिए बताया सबसे भयानक चीज़ क्या है, एक भक्त के लिए ये सारी चीज़ें भयानक नहीं है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि या तीन क्लेश जो हैं, जो वास्तविक एक भक्त है उसके लिए ये भयानक नहीं है। उसके लिए भयानक क्या है, उसके लिए भयानक है असत्संग। हाँ, इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ये बताए हैं असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो असत्संग जो है वो एक भक्त के लिए भयानक है। और ये भक्ति में प्रगति का सूचक भी है। तो अगर हमें भौतिकतावादी लोग जो हैं, असत्संग का अर्थ क्या है दो बताएं, एक तो स्त्री संग और जो स्त्री से आसक्त हैं उनका संग, है ना, स्त्री और धन जो इससे आसक्त हैं उन लोगों का संग, या स्त्री और धन डायरेक्ट इसका संग, ये जो है असत्संग है। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत में भी हम जो है स्त्रियां भी हैं, माताएं हैं, और धन भी है, लक्ष्मी भी है, लेकिन हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ बताया संग मतलब क्या है, भोग वृत्ति से, जो कि हम सबकी वृत्ति है। तो भोग वृत्ति से अगर हम और बताया एक्चुअली इवन सेवा के लिए भी इनका संग मतलब इनके निकट जाना बड़ा ही घातक हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि हमारी भोग वृत्ति अभी गई नहीं है, भोग वृत्ति अभी भी है, हम शुद्धिकरण के मार्ग में हैं, अभी शुद्ध हुए नहीं है पूरी तरह से। तो इसलिए हम देखते हैं, इसलिए कपिल मुनि इतने इंस्ट्रक्शन दिए हैं विशेषकर जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उसको नियंत्रित करने के लिए। तो बताए ऐसे जो असत्संग है वो एक भक्त के लिए, एक गंभीर भक्त के लिए बहुत भयानक है। तो इसलिए उसको हमेशा इससे सतर्क रहना चाहिए। और जो उससे सतर्क नहीं है तो फिर वो बताया है उसकी स्थिति फिर कैसी होगी।
उसे ये हो सकता है थर्ड कैंटो पूरा पढ़ भी लिया हो, है ना, पूरे हो सकता है सारे श्लोक कंठस्थ भी हो, कपिल मुनि के सारे इंस्ट्रक्शन जो है पूरे याद भी कर लिए, लेकिन अगर अगर ये इसमें जो सतर्क नहीं है, असत संग नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, असत लोगों के बीच में जा रहे हैं तो यस, उनको प्रचार करना है, लेकिन उनका संग नहीं करना है, ठीक है। वो अगर ध्यान अगर हम नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, तो इतना सब पता होने के बाद भी जो है पतन हो जाएगा, पालन नहीं कर पाएंगे। आपको पता भी होगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो जो है गिर जाएंगे फिर हम। इसलिए बताया है सारे जो ये उपदेश हैं उसको समझना और उसको हमेशा स्मरण में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। और जब इस जगत में हम हैं तो जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसका सही तरीके से पालन करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर फिर जो है कल्चर का महत्व आ जाता है ना, सभ्यता। तो एक सभ्य समाज जो है वो शास्त्रों के उपदेश जो हैं उसको ध्यान में रख के ही समाज का निर्माण करते हैं। तो समझते हैं वैदिक संस्कृति में इसलिए वर्णाश्रम धर्म है, जिसमें इन सभी इंस्ट्रक्शंस को, इन सभी उपदेशों को ध्यान में रख के सब चीज़ें, सभी तौर तरीके जो हैं वो वहाँ पर उस संस्कृति में होते हैं। और जहाँ पर ये विचार नहीं है तो वहाँ पर देखते हैं वो कुत्ते बिल्लियों का समाज रहता है, है ना। तो कुत्ते बिल्लियों का समाज जो है जिसमें कोई गुरु साधु शास्त्र के उपदेशों का कोई समझ नहीं है, और समझ नहीं है तो ऑफकोर्स उसका फिर पालन भी नहीं होगा, तो फिर क्या है वो, कुत्ते बिल्लियों का समाज है। और वहाँ पर वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने वाले हैं। तो इसलिए बताया है वास्तव में जो आध्यात्मवादी हैं, अर्थात वास्तव में जो इस भौतिक जगत से निकलने के लिए, इस भौतिक जगत का जो कारागार है इससे बाहर निकलने के लिए वास्तव में जो गंभीर हैं, उनके लिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके लिए सारे उपदेश हैं। और हो सकता है कुछ उपदेश जो हैं वो आपको समझ में ना आए पहली बार में, क्योंकि एक हमारी एक टेंडेंसी है कि जो हमें समझ में आता है वो हम करते हैं, जो समझ में नहीं आता उसे हम साइड कर देते हैं। तो इसे कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय, है ना। तो शास्त्र हैं उसमें कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं तो वो हम उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आ रही है उसको हम छोड़ देते हैं। तो अगर ये चीज़ करेंगे तो भी जो है हम जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहने वाले हैं। तो इसलिए बताया जो उद्देश्य है उसको पूर्ण रूप से समझना है और पूर्ण रूप से पालन करना है। और इसलिए सिर्फ शास्त्र अगर हमारे पास होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्र में कई जगह विरोधी कथन हमें मिलेंगे, तो अभी उन विरोधों का, विरोधी कथन जो है उनका समन्वय कौन कर सकता है। तो इसलिए बताया इसलिए गुरु चाहिए, और गुरु समन्वय करके दे भी देंगे। और आपको शास्त्र जो है उसके बारे में, शास्त्र में हाँ यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, सब अच्छा अच्छा ये है, और कन्फ्यूजन आया, आपने गुरु से डिस्कस भी कर लिया, क्लियर भी हो गया, समन्वय भी हो गया, आप समझ गए अच्छा अच्छा ठीक है, वो अलग अलग परिस्थिति के लिए है, अलग लोगों के लिए है, ये उपदेश इन परिस्थिति में इन लोगों के लिए है, ये उपदेश इन परिस्थिति में इन लोगों के लिए है, ठीक है। और मेरे लिए क्या उपदेश है, ठीक है, गुरु से भी मिल गया, लेकिन अब अगर उसे पालन करना है तो उसके लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग तो इसलिए बताया साधु, इसलिए साधु चाहिए। तो इसलिए बताया गुरु, साधु और शास्त्र तीनों चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारी हमारी जो है ना, हमारी स्थिति आधी अधूरी रहेगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप सिर्फ शास्त्री कि भाई शास्त्र में है सब, गुरु और साधु नहीं चाहिए, तो क्या स्थिति होगी आपकी, कन्फ्यूज होगे पूरी तरह से कन्फ्यूज होगे, क्योंकि शास्त्र आप पढ़ोगे देखोगे यहाँ पर तो ये लिखा है और यहाँ पर ये लिखा है, आप बोलोगे क्या है, है ना, कहीं पर लिखा है शिवजी परम है, कहीं लिखा है जो है कृष्ण परम है, कहीं लिखा है देवी परम है, कहीं लिखा है जो है मांस खा सकते हैं और कहीं लिखा है नहीं खा सकते।
तो क्या होगा उसमें, अधिकतर जो लोग हैं वो उनको जो अच्छा लगता है वही चुन लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ शास्त्र को जो पढ़ रहा है वो भी गया काम से। तो इसलिए क्या होगा, अभी मान लो ये थर्ड कैंटो है, कपिल मुनि के उपदेश हैं, तो ये सिर्फ अगर सिर्फ कोई सिर्फ पढ़ता है इसको बस, ठीक है, तो 99% चांस है कि वो कंफ्यूज रहेगा, वो पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा इन इंस्ट्रक्शंस को। स्पेशली वो जो स्त्री पुरुष आकर्षण वाले, वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा वो तो गारंटीड बोले अरे ऐसा कैसे जो है, ऐसा कैसे लिखा है। और दूसरी जगह वो अगर कहीं दूसरी जगह पढ़ेगा तो वहाँ पढ़ेगा, वहाँ तो स्त्रियों को जो है बहुत वो किया है, बहुत प्रशंसा करी है ना, ऐसे यत्र यत्र पूज्यते नारी तत्र रमते देवा, है ना, ऐसे एक श्लोक है, मतलब जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, आराधना होती है, तो वहाँ पे देवता रमण करते हैं, है ना। अब वो ये नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं स्त्री संघ से दूर रहने के लिए, वो स्त्रियों की वास्तविक रूप में उनका रेस्पेक्ट और उनकी आराधना के लिए ही है। उसे क्या लगेगा, आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न जो वातावरण है उसमें पले बड़े हैं, तो वो जब वो सारे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा कि ये तो जो है स्त्रियों के प्रति बहुत ही, स्त्रियों को जो है नीचा दिखाया जा रहा है, उसको यही लगने वाला है जैसे वो पढ़ेगा वो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये दरअसल उनकी जो है आदरणीय स्थिति बनी रहे उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए सिर्फ पढ़ लेगा नहीं होने वाला है, इसलिए पता है शास्त्र। लेकिन शास्त्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एटलीस्ट उसको पता चलता है कि ये है शास्त्र में। अब सिर्फ अगर गुरु को सिर्फ सुने वो है और शास्त्र और साधु को छोड़ दे तो क्या होगा, अब उसकी इतनी स्मृति शक्ति तो है नहीं कि गुरु जो बोल रहे हैं सब उसे ध्यान रहेगा तो क्या होगा, गुरु जो बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा वो कि ये इंस्ट्रक्शन था अच्छा, तो उसको जो है वो याद नहीं रख पाएगा, प्रॉब्लम ही है सिर्फ गुरु को अगर करेगा तो। और जो वैष्णव समाज है उसमें ये संभव भी नहीं है कि सिर्फ मैं और गुरु, ये बहुत ही नियोफाइट अंडरस्टैंडिंग, वो फिर भक्ति में ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाएगा। अब फिर कोई अगर सोचे कि सिर्फ साधु है ना, शास्त्र भी छोड़ो गुरु भी छोड़ो, बस साधु है ना, साधु संकम करेंगे तो क्या होगा, तो अब जो है साधु भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, है ना, तीन स्तर के बताए, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो अगर आप कनिष्ठ का संग करोगे तो भी जो है तो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो इसलिए बताया है बहुत ही एक तीनों का मिला जुला हमारा, तीनों मिलके जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु, साधु, शास्त्र तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों चाहिए, किसी को भी एक को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों जब होंगे तो हमें चीज़ें पता होंगी, सही समझ होगी और उसका पालन हम कर पाएंगे। तीनों में से एक भी गया तो फिर वही है, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और फिर उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। हम देखते हैं भक्तों के जीवन में कहीं कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कहीं समस्याएं लेके आते हैं, कारण क्या है, वो वही है, तीनों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं वो कोई एक या दो बस उसको पकड़ के चल रहे हैं, तीनों को पकड़ के नहीं चल पा रहे हैं। और यही सारी समस्याओं की जड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अगर आध्यात्मिक जीवन में आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप थोड़ा एनालिसिस कर लो, विश्लेषण कर लो कहीं ना कहीं, तो किसको आप पालन नहीं कर रहे है ना तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी। और ये बताया है इन तीनों की मदद नहीं होगी तो हम इस भौतिक अवधारणाओं से नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, और इसलिए वो समस्याएं फिर बनी रहेंगी। तो इसलिए बताया जो भगवान कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं वह आसानी से मुक्त हो जाते हैं, बताया है। तो मुक्त होना कठिन नहीं है, एक्चुअली सरल है, आसान है, अगर जो उपदेश हैं उनको यथारूप पालन कर लें तो। अब समस्या ये आती है कि हम उपदेश को यथारूप पालन नहीं कर पाते, हमारा मन जो है वो बीच में आ जाता है,
ऐसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद ने। और हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में हमारे लिए शिला प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक शिष्य के लिए जो उसके गुरु हैं है ना, उनके इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। तो बताया है अगर शिष्य को समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी गुरु ऐसा बता रहे हैं वैसा वो कर ले, और यस वो जिज्ञासा कर सकता है, पूछ सकता है, समझने का प्रयास उसे करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो समझ में नहीं आए तुरंत, लेकिन गुरु अगर उसको स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये करना है तो वो करना चाहिए, तो उसमें शिष्य का लाभ है, उसमें शिष्य की प्रगति है। तो जैसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए अपनी पुस्तकों में, अपने लेटर्स में, कि कैसे इस आंदोलन को बनाए रखना है और आगे बढ़ाना है। लेकिन हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के तिरोधान के बाद बहुत सारी ऐसे विचार प्रकट हो गए हैं जो कि मतलब वो सारे विचार हैं इसलिए प्रचार के लिए, लेकिन शिला प्रभुपाद ने कभी अपने उपदेशों में उसके बारे में वर्णन नहीं किया, इनफैक्ट उसका उसको मना किया। जैसे कि इस संस्था को एक क्या बोल सकते हैं, एक समाज सेवी संस्था के रूप में प्रदर्शित करना, समाज सेवी है ना, भौतिक स्तर पे लोगों की मदद करना है ना, उस तरह से प्रदर्शन करना, एक फिलेंथ्रॉफिक एक्टिविटी, समझते हैं फिलेंथ्रॉफी, फिलेंथ्रॉफी मतलब वही जैसे जो है लोगों को खाना, भूखों को खाना खिलाना, और अनाथ आश्रम, ये जो एनजीओज जो करते हैं कार्य है ना, उस तरह के कार्य जो है, ये कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं लगाना, और ये सब करना प्रचार के लिए, प्रचार के उद्देश्य से कि ये हम करेंगे तो लोग बहुत आएंगे और उनको फिर जो है हम फिर बताएंगे। तो क्योंकि अभी क्या है, लोग आ ही नहीं रहे, तो लोगों को हम ऐसा कुछ कुछ और कह के हम आकर्षित करेंगे और फिर उन्हें फिर कृष्ण भावना में देंगे। तो ये जो विचार है ये हम देखते हैं शिला प्रभुपाद अपने उपदेशों में कभी नहीं बताए, और अगर ऐसा है तो प्रभुपाद खुद ही कर दिए होते उस चीज़ को, लेकिन शिला प्रभुपाद खुद कभी ना तो ऐसा कभी किए ना ही उसका उपदेश दिए। लेकिन फिर भी आज हम देख रहे हैं कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, शिला प्रभुपाद जैसा बता रहे थे वैसा हम करेंगे तो वो तो बहुत आउटडेटेड हो गया, अभी हमें अपडेट होना चाहिए है ना, अभी हमें थोड़ा जो है समाज के अनुसार थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ी हमें अपने तरीके जो हैं बदलने पड़ेंगे हैं। नो डाउट थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसकी लिमिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है हम पूरे अपने ही स्थान से हम नीचे गिर गए, क्योंकि ये बहुत भयानक स्थिति है। अगर हम अगर अभक्तों के जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हाँ, तो इसका अर्थ है कि हम भी अभक्त हैं। तो इसलिए किसी ने मान लीजिए कुछ लोगों को बुलाकर उनको समझाया, उनको प्रवचन दिया, और प्रवचन में कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं आया है ना, या आत्मा के विषय में एक बार भी नहीं आया, तो उसमें आध्यात्मिक रहा क्या, और उसमें आध्यात्मिक कुछ है नहीं, तो उस कथन का, उतनी लंबी जो बात है उसका महत्व फिर क्या है, कुछ महत्व नहीं है उसका, वो फिर भौतिक स्तर पे ही बात हो रही है बस। और लोग वही चाहते हैं, प्रॉब्लम ही है ना, लोग वही चाहते हैं, वो भौतिक स्तर पर रहना चाहते हैं, उनको भी कोई चाहिए जो भौतिक स्तर पर हमें बताए और एक एक जो है भ्रम क्रिएट कर दे कि हमारा जो है हमारी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है हाँ। तो इसलिए जो हमारे आचार्यगण जो बता रहे हैं उसको सुनना और ध्यान से समझना और उसको पालन करना और उस पर बने रहना, उस पर डटे रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये कोई कर ले तो फिर जो है उसके लिए मुक्ति आसान है, कठिन नहीं, लेकिन हमारे मन में फिर यही आएगा, जैसे यहाँ ये सेंटेंस हैं, जो भगवान कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं वे आसानी से मुक्त हो जाते हैं,
आसानी से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही तो तुरंत हमारे मन में क्या आएगा, लेकिन ये इसका अनुसरण करना ही तो कठिन है। इसका अनुसरण कैसे करें हैं? कई बार हम देखते हैं शिष्य जो हैं गुरु के पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके अच्छे शिष्य बन सकें। हाँ, तो गुरु फिर बोलते हैं ये आशीर्वाद तो सभी को है, लेकिन तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। कोई गुरु की कृपा तब मिलती है जब आप उनके उपदेश को फॉलो करते हो। तो इसलिए वो एक जो है एक ख्याली एक वो रहता है, एक कल्पना रहती है कि नहीं बस है ना कुछ जादू से कुछ हो जाएगा, है ना, कोई जादू हो जाएगा हमारे जीवन में और हम जो हैं एक दिन में जो है शुद्ध भक्त बन जाएंगे। नहीं, है ना, हमें हर दिन प्रयास करना होगा इन उपदेशों को समझने के लिए और उसका पालन करने के लिए, है ना, और गुरु साधु शास्त्र तीनों के शरण में रहकर। हाँ, और फिर जो है हम हमारे लिए जो लक्ष्य है वो आसान हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं, है ना, ये बहुत बार ऐसा होता है कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है और हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और हमें लगता है अरे कैसे बोल रहे हैं ऐसा। बहुत बार ऐसा होता है, शिष्य ऐसे होते हैं, गुरु इनको थोड़ी पता है ना, ये तो कुछ भी, ये तो भौतिक संसार को छोड़ दिए हैं, इनको नहीं पता है भौतिक जीवन में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें पता है जो उसकी जटिलताएं हैं। हाँ, और ये बता रहे हैं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, इसलिए बहुत बार ही आता है कि गुरु के जो उपदेश हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, शिष्य ये सोचने लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है। जैसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन था कि मेरा 50% कार्य बचा है तो वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया जाए, तो आजकल जो है बहुत सारे भक्त क्या सोचते हैं। अच्छा, एक आश्चर्य की बात है कि जो अभक्त हैं, जो है ना, जो मतलब भक्ति में नहीं है लेकिन थोड़े सत्वगुण में है ना, ऐसे जो लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि ये जो आधुनिक सभ्यता है ये इसमें मतलब ये खराबी है, बहुत ख़राब है ये, तो इससे बाहर निकलना ही सॉल्यूशन है। तो इसलिए वो लोग अपने अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो लोग जो हैं गांव खरीद रहे हैं कुछ लोग, है ना, और गांव बसा रहे हैं या गांव में जाके एक ज़मीन ले रहे हैं और वहाँ पे खेती करके और गौ पालन करके सादा जीवन जी रहे हैं। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि हमें सिंपल लाइफ जीना है, सादा जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन और एटलीस्ट सुखमय तो होगा। यहाँ जो शहरी जीवन है, आधुनिक जीवन है, इसमें तो बहुत कष्ट है, बहुत तनाव है, बहुत चिंता है, इससे अच्छा है पीसफुल लाइफ जियो। तो ये कुछ जो है एटलीस्ट जो भौतिकतावादी लोग हैं लेकिन थोड़े सत्वगुण में हैं वो भी समझ रहे हैं और वो लोग कुछ ऐसे कहीं प्रकल्प कर रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि ये जो वर्णाश्रम प्रकल्प है वो इम्प्रैक्टिकल है। कारण क्या है? क्योंकि पूर्व में कुछ लोगों ने प्रयास किया, उसमें कुछ समस्याएं आईं, अड़चनें आईं और वो समस्याओं से वो जो है बहुत घबरा गए, इतना पीछे हट गए कि अब उसको वो सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो ये कि कुछ मतलब एक भक्त समुदाय हम विकसित कर सकें जो सादा जीवन जिए, हाँ, खेती और गाय पर आधारित स्वावलंबी जीवन जो है वो जिए, हाँ, जैसे ही हमें बोलते हैं तो तुरंत क्या विचार आता है, हमारा मन क्या कहता है, ये तो कहाँ पॉसिबल है। हाँ, तो यही है, इसका मतलब क्या है, हमें जो आचार्य हैं उनके इंस्ट्रक्शन पे विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास ही नहीं तो फॉलो कहाँ से करोगे, फॉलो नहीं करोगे तो आपको कहाँ जो है भगवान नहीं प्रसन्न होने वाले। तो इसलिए बताया, इसलिए बहुत बार ऐसा ही होगा, मैं बता रहा हूँ, मतलब यूजुअली ऐसा ही होता है, गुरु कुछ कहते हैं ऐसा करो और वो जो है हमारी जो लॉजिक है लॉजिक के अंदर फिट नहीं होगा और हमें ऐसा ही लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, है ना।
जैसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जो है हिप्पी लोग जब शुरुआत में थोड़े गंभीर हुए है ना, एक मतलब मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए उनको जो है कार्यक्रम में आते हुए और प्रैक्टिस करते हुए अभ्यास करते हुए 6 महीने भी नहीं होंगे, और जो अमेरिका में जितने भी हिप्पी बने थे उनको अलग अलग, मतलब न्यूयॉर्क में जितने भक्त बने युवा, तो एक को जो है सैन फ्रांसिस्को भेज दिया, एक को लंदन भेज दिया, मतलब कुछ लोगों को उसमें लंदन भेज दिया, मतलब सेंटर चालू करने के लिए है ना। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है, जैसे अभी अगर हम रुचिम को अगर बोलें कि रुचिम जाओ और जो है एक सेंटर खोल दो तो अभी देखो रुचिम हंस रहा है, देखो ये थोड़ी संभव है, जो ये बोलेगा मैं कहाँ कर पाऊँगा तो अब वो तो हिप्पियों क्या स्थिति थी, रुचिम तो हिप्पियों से तो बहुत बेहतर है हाँ, लेकिन हिप्पी जो है उनको प्रभुपाद ने बोल दिया कि ठीक है वो थोड़ा सा अपने हिप्पी जीवन से बाहर आ गए, बाहर आए उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है ना, और थोड़ा अभ्यास कर रहे हो, उनको भेज दिया दूसरे शहर ही केंद्र खोलने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो क्या लॉजिक है, वहाँ लॉजिक है ही नहीं कोई कैसे संभव है, कैसे करेगा हाँ। हम देखो ऐसे ही फिर पूरा जो है इस्कॉन 108 देशों में प्रभुपाद ने स्थापित किया। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से भगवान की कृपा आती है ना। और यहाँ पे फिर वो भी लिंक होता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ नहीं कर सकते है ना, हम अगर सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। तो एक तो भौतिक जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, भौतिक जीवन में जो कुछ हो रहा है वो माया करा रही है हमें, और आध्यात्मिक जीवन में जो भी हम कर रहे हैं वो गुरु और कृष्ण की कृपा से होता है। तो इसलिए हमारा लॉजिक जो है वो फिट नहीं होगा, हमें तो हमें लगेगा कैसे होगा, लेकिन अगर गुरु का आदेश है और उसके लिए अगर हम प्रयासरत हैं तो हो जाएगा, गुरु और कृष्ण की कृपा से असंभव भी संभव है। क्या है वही तो श्लोक है नहीं, मुकम लंगायते मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम हाँ यत कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारण हाँ। एक इसका दूसरा वर्जन भी है, परमानंद माधव है ना, दो वर्जन हैं इसके ठीक है, लेकिन पहली लाइन ये सेम है ना दोनों में, पहली लाइन तो सेम ही है कि जो गूंगा है वो भी बहुत आप देखो ये श्लोक अगर आप किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा ये मैं पक्का बता रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया होगा इस पर लेकिन इधर यही बताया है, अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो गूंगा भी जो है वो बहुत बढ़िया वक्ता बन सकता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ लांग सकता है। आप ये सुनोगे तो आप ये बोलोगे ये क्या है, ये तो है ना अतिशोक्ति। और ये आप देख लो जो कवि हैं, कवि से अगर पूछोगे आप तो कवि लोग ये कहेंगे ये तो यहाँ पे अलंकार का प्रयोग किया है, कविता में अलंकार होते हैं बहुत सारे है ना, श्लेष अलंकार और बहुत सारे अलंकार होते हैं, उसमें एक अतिशोक्ति अलंकार भी होता है, चीज़ों को एक्सजरेट करना थोड़ा ताकि हमारा मन एक काल्पनिक दुनिया में चला जाए, और कल्पना में जाते तो अच्छा लगता है ना, फैंटेसी तो जो कवि है वो बोलेंगे तो ये फैंटेसी है, ये ऐसे तो संभव है क्या कि भाई गूंगा जो है वो बोलने लगे और लंगड़ा जो है पहाड़ लांग जाए हाँ, लेकिन नहीं ये बताया संभव है, संभव है। तो कैसे संभव है, लॉजिक से आप नहीं समझ सकते, ये होता है लॉजिक सब फेल हो जाएंगे हमारे। तो इसलिए कभी भी गुरु साधु शास्त्र से जो हमें आदेश मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, स्पेशली गुरु और शास्त्र से हमें जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और साधुओं के संग में हम उसको पालन कर सकते हैं, तो कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हो। इसलिए शिला प्रभुपाद जो भी कहते थे उनके शिष्यों ने रिकॉर्ड कर लिया उसको है ना सारी चीज़ें। तो कारण क्या है कि जो भी शिला प्रभुपाद जो भी बोल रहे हैं हम सब लोगों के लिए है ना, जो कि इस्कॉन के क्या बोलेंगे हम मेंबर हैं, मेंबर तो है, मेंबर से भी बढ़कर कुछ हैं है ना, ये यूजुअली लाइफ मेंबर जो हैं वो बोलते हैं मेंबर हैं, वो भी मेंबर हैं लेकिन वो अलग प्रकार के मेंबर हैं है? हम लोग
हम लोग तो श्रील प्रभुपाद के परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, तो अंतरंग सदस्य हैं बहुत, क्योंकि ये जो आंदोलन है इसको बनाए रखना एक तो और इसको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन जो है वो तो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने जो जो कहा, जो जो उन्होंने लिखा है वो तो रिकॉर्डेड है ही, और जो जो उन्होंने कहा भी है ना, उनके सारे जो लेक्चर्स हैं, कन्वर्जेशंस हैं, लेटर्स हैं, वो सब हमारे पास हैं, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है। ऑफकोर्स उसमें कुछ विरोधाभासी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए उसको सही से फिर हमें समझना होगा। और उसमें बताया है जो उपदेश श्रील प्रभुपाद ने हमें सबसे आखिरी में जो दिए हैं, अर्थात उनके तिरोधान से पहले, है ना, एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है जो श्रील प्रभुपाद ने 1965 में दिया हो, 1966 में, और एक इंस्ट्रक्शन है 1977 में दिया है। तो अगर वो दोनों में वो है, विरोधाभास है, तो फिर क्या है, जो 1977 में दिया है उसे हमें स्वीकार करना है, ये भी एक है ना, जो लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसका बल ज़्यादा है। समन्वय, ये एक्चुअली हर्म्यूनिटिक्स में आता है, ये एक नियम है। हर्म्यूनिटिक्स जानते हैं आप? हर्म्यूनिटिक्स मतलब जो शास्त्र में अलग अलग विरोधाभासी चीज़ें हैं उसका समन्वय करना, तो यूजुअली वो उसका अलग शास्त्र है ना, और वो जिसको नहीं पता है तो वो फिर कन्फ्यूज जाएगा आचार्यों के स्टेटमेंट में और शास्त्रों के कथनों में भी, तो इसलिए बताया है। तो वो समन्वय करके फिर जो है शिक्षाओं का पालन करना होगा, और वो समन्वय भी हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए भी कोई बहुत ही ब्राह्मणिकल भक्त चाहिए, जिसको पहले तो सारे शास्त्रों का पता हो, कहाँ कहाँ क्या क्या विरोधाभास है, और कौन सा वचन कौन से काल और परिस्थिति और किन लोगों के लिए है। तो उसमें बहुत सारे नियम हैं, उसमें से एक नियम मैं बता रहा हूँ, ये एक नियम है कि जो स्टेटमेंट सबसे रिसेंट बोला गया है वो उसको स्वीकार करना है। तो उदाहरण के लिए बताया जाता है, जैसे मान लो मैंने अभी अगर कोई मुझे कहता है कि प्रभु जी पानी लेके आता है, ठीक है, और मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मान लो पानी का ग्लास लाके आप रख देते हो और मैं मना कर देता हूँ कि नहीं लूँगा नहीं, और तो आप ले जाते हो पानी वापस, लेकिन थोड़े समय बाद, एक घंटे बाद मैं बोलता हूँ पानी लाओ, तो आप बोलते हो अरे लेके तो गए, तब तो आपने मना कर दिया था, अब क्यों लाए, अब लाएंगे तो भी मना कर दोगे, अभी तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ लाओ, तो अभी बोलोगे नहीं, पहले आपका इंस्ट्रक्शन था कि पानी ले जाओ और अभी आपका इंस्ट्रक्शन है पानी लाओ, तो किसको फॉलो करोगे, जो रिसेंट जो बोला है ना। तो कुछ कॉमन सेंस भी है उसमें, तो वही है, ये समन्वय करने के लिए बहुत कॉमन सेंस भी चाहिए, जो कि सबसे मिसिंग कमोडिटी है कलयुग में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें वो सारे इंस्ट्रक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में, जो अंत के सालों में जो उन्होंने हमें दिए, तो अगर हम उनका पालन करेंगे अच्छे से तो जो है हम यहाँ जैसे कपिल मुनि कह रहे हैं, हाँ, आसानी से मुक्त हो सकते हैं, और अगर नहीं पालन करेंगे तो फिर हम इस बद्ध जीवन में बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? यस प्रभु जी। तो क्या बताना है, तो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, मेरे बताने से क्या होगा। सही है या क्या है, वो देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसी है, क्योंकि अभी देखिए स्वाभाविक बात है, अगर जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद भी जब मायापुर में थे तो वहाँ उस समय बांग्लादेशी रेफ्यूजी वहाँ बहुत आ रहे थे, बांग्लादेश में उस समय युद्ध, और 1972 में बहुत वहाँ युद्ध और बहुत अनस्टेबल सिचुएशन थी, तो बहुत सारे रेफ्यूजी बांग्लादेश से उधर ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल आ रहे थे और मायापुर में भी आ रहे थे। तो जब प्रभुपाद ने देखा कि कैसे वो जो हैं खाने के लिए वो हैं तरस रहे हैं,
तो उधर फिर प्रभुपाद ने स्टेटमेंट कहा था ना कि ओके, तो इसलिए ध्यान रखो कि मंदिर के 10 किलोमीटर के पास में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। उस सिचुएशन को देख के कि भाई वो तो अभी ऐसी बहुत ही ख़राब स्थिति है, तो उसमें तो हो सकता है थोड़ी सी कुछ भौतिक स्तर पे कुछ करना पड़े, लेकिन अंतोगत्वा उद्देश्य क्या है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी कोई ऐसे भी कोई अगर भक्ति में है, अब भक्त है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट हो गया तो अभी जो भी उसके लिए मरम्मत करना है, जो भी फर्स्ट एड है या कुछ है, वो तो करना ही होगा। तो वो करना वो भौतिक नहीं होगा, है ना, वो करेंगे तो उससे इनफैक्ट वो एक सेवा में गिना जाएगा, क्योंकि वो वैष्णव वो भक्ति में है और उसको पता है कि ये शरीर जो है भगवान की सेवा में लगाना है। तो उसकी अगर हम मदद कर रहे हैं, उसको एक भौतिक स्तर पर भी कुछ अगर दे रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो तो कभी कभी आवश्यक भी हो सकता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं यही लक्ष्य है, वो गड़बड़ हो जाती है ना। ये जो है भौतिक स्तर पे मदद करते रहना और ये वास्तविक मदद है जीव की, ये सोचना, है ना, और जो भक्ति में नहीं लगे हैं, है ना, जो भक्ति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, महत्व को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को इस वृत्ति में एनकरेज करना, ऑलरेडी वो इस चीज़ में है उसमें एनकरेज करना, वो गलत है। ठीक है, तो अभी आप जो बता रहे हैं, जैसे अभी यूक्रेन में स्थिति है, वहाँ पर बम गिर रहे हैं, अब मान लो भी अगर यहाँ पर बम गिरेगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो हम भी जो है, पहले तो जो हमारा हमारे समुदाय के लोग हैं उनको हम संरक्षण देने की कोशिश करेंगे, और वो संरक्षण हो गया तो फिर जो अगर कोई आश्रय लेना चाहता है हमसे, तो यस, तो उसको हमारे टर्म्स पे अगर वो जो है जो जीवन जैसे भक्ति में जीवन है उसको जीने के लिए रेडी है, तो हम उसका भी संरक्षण कर सकते हैं अगर हमारी कैपेसिटी भी है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी क्षमता कितनी है, है ना, सामने वाले का जो है वो कितना हमारा आश्रय ले रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जो कार्य सरकार को करना चाहिए, अगर वो कार्य अगर हम करने लगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, वहाँ पर फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे ये जो है जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वो कार्य सरकार का है, अब सरकार जो है फेल हो गई उसमें, तो अब बहुत ही मतलब वो तो ऐसी स्थिति है जिसमें यस, अगर जो है कोई बैठ के, जैसे प्रभुपाद का हम देखते हैं, शिला प्रभुपाद का वर्णन आता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय उधर वेस्ट बंगाल में भी ये स्थिति थी, बम गिर रहे थे, जापानीज जो एयरप्लेन हैं वो लोग आके बम गिरा रहे थे, और वहाँ प्रभुपाद जो है कुकिंग कर रहे थे, प्रभुपाद कचौड़ी बना रहे हैं कृष्ण के लिए तो अगर कोई उस स्तर पे है तो वो करे वैसे ही, है ना, उस पर तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, अगर उस समय भगवान का स्मरण करते हुए रह सकते हैं तो बेस्ट है। लेकिन हम देखते हैं अधिकतर लोग वैसे नहीं हैं, अधिकतर लोग तो जो है बहुत विचलित हो जाएंगे, भागने लगेंगे हमारे भक्तों में। पहले तो बता रहा हूँ, ऐसा अगर होता है तो हमारे भक्त समुदाय को ही बचाने में हमारी शक्ति चली जाएगी उनको थोड़ा एक जो है पीसफुल और एक कि परेशान नहीं हो, ठीक है, उनको हमें प्रचार करना पड़ेगा कि स्थिति कुछ समय के लिए है, और ऑफ कोर्स प्रचार करने के लिए एक जगह जाना पड़ेगा जहाँ बैठ सके सुन सके, वरना बम बम गिर रहे तो क्या है, भागते रहेंगे वो तो व्याकुल रहेंगे नहीं। तो ये तो प्रभु ऐसा है, उसमें मतलब प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, इट्स नॉट सो ब्लैक एंड वाइट, है ना, इतना वो ऐसे बाउंड्री डिमार्केट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि हमेशा हर जगह कोई भी चीज़ सही है गलत है उसको तो निर्धारित तभी कह सकता है कि वो करने वाले की चेतना कैसी है और वो किस चीज़ को एंकरेज कर रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं देखने की। इसलिए तो एग्जैक्टली आप थोड़ा बताएंगे, मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या मतलब जो लोग हैं उनको बचा रहे हैं, कैसे भोजन दे रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, मतलब अगर देखिए वो अगर जो आश्रय लेने आए हैं, है ना, उनको अगर दे रहे हैं तो उसमें तो गलत नहीं है। कोई भी मान लो आप, ये तो धर्म का नियम भी है, कोई अगर आपके शरण में आया है आप उसे मना नहीं कर सकते, अगर वो शरण लेने के लिए रेडी है तो,
इसलिए वो फिर है, वो कितने मतलब वो अगर आश्रय ले रहे हैं तो फिर सब नियम पालन कर रहे हैं, शिक्षा को समझ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट उसके प्रति रेस्पेक्टफुल हों, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन प्रिंसिपल उस चीज़ को हम एंकरेज नहीं करते, जो भी भौतिक स्तर पर जो भी मदद है। ठीक है, यस प्रभु जी। इसलिए वो तो एक समझ है ही कि भौतिक स्तर पे कोई मदद नहीं होती, भौतिक स्तर पे जो भी है, तो भौतिक स्तर पे हम थोड़ा भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो हम आध्यात्मिक क्रियाओं को कर सकें अच्छे से, इसलिए है। जैसे शास्त्रों में बताया है कि कोई भी व्यक्ति है वो इतना इच्छा कर सकता है कि स्वास्थ्य उसका ठीक रहे। हाँ, ताकि क्यों? ताकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो सेवा कर पाएगा। तो किस लिए? स्वास्थ्य सिर्फ स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नहीं रखना है ठीक। हाँ, स्वास्थ्य किस लिए ठीक रखना है? ताकि सेवा कर सके। तो इसलिए बताया है, इसलिए वो तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ही कि हम कि भौतिक स्तर पे कोई मदद नहीं होती है, और भौतिक स्तर पे हम कुछ अगर कर भी रहे हैं शरीर के लिए, तो वो शरीर के माध्यम से हम आत्मा के कार्य कर सकें इसलिए। और आत्मा के कार्य अगर नहीं कर रहे हो तो उस शरीर को मेंटेन करने का भी कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। तो ये समझ तो यस, ये तो बेसिक मूलभूत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, आंध्रा या सूखा वाला वो लेटर भी है ना, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पुस्तक में। यस, ये तो है। तो वही है, वो परिस्थिति, एक तो प्रिंसिपल है हमें पता है, और परिस्थिति फिर कैसी है उसके अनुसार फिर उसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। तो अभी प्रभु जी तो स्पेशली वॉर के सिचुएशन पूछ रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में क्लियर है, उसमें हम कभी एंकरेज नहीं करने वाले। अब वॉर सिचुएशन ऐसी मतलब है जिसमें सभी मर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। मतलब वहाँ फिर वो प्रिंसिपल आ जाएगा ना कि शरीर को मेंटेन करना है आत्मा के कार्य करने के लिए, तो शरीर ही खत्म होने वाला है, ऐसी स्थिति हो रही है तो आत्मा के कार्य करने के लिए बचेगा नहीं, तो वहाँ क्या करना होगा वो पूछ रहे हो, तो वहाँ करेंगे वो सही है गलत है। तो वो तो मतलब मेरा उसमें जो एनालिसिस है वो ये सिचुएशन के अनुसार उसमें हम देख सकते हैं, उसमें कोई बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट उसमें वो नहीं है कि ऐसा ही कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते, वो स्थिति को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा, स्थिति को देखकर। और जो लोग हैं, लोगों की अवस्था कैसी है, लोग कितने स्तर पे जो है आश्रय लेने के लिए तैयार हैं, उसके अनुसार ही हम उनकी मदद कर सकते हैं भौतिक स्तर पर भी। जैसे हम देखते हैं आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कोई आता है तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं सब चीज़ें, है ना, कपड़ा है, आहार है, रहने के लिए स्थान है, लेकिन किस लिए? तभी जब वो आश्रम के सभी नियमों का पालन करें। अभी संडे को आ गया था ना एक, मेरे को आश्रम में रहना है भाई, अब उसको अच्छे विषय समझा रहे थे कि ठीक है तुम पहले आओ समझो पहले चीज़ों को, और तुम अगर योग्य हो तो, और इतना बोला इतने में चिल्लाने लग गया वो, हाँ इतने में गुस्सा हो गया वो। तो भाई आप तो नहीं करें ना उसकी, उसको नहीं करा क्यों? एक तो तुम नियम पालन करने के रेडी नहीं हो, ऊपर से जो है क्रोध और कर रहे हो ऊपर से, तो योग्य नहीं हो, फिर जाओ, फिर हम नहीं कर सकते आपकी मदद, सीधी सी बात है। वो फिर बाद में फिर बता रहे थे वो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज लग रहा था थोड़ा थोड़ा जो है वो परेशान था, लेकिन वही है, आप अगर आश्रय नहीं ले रहे तो हम नहीं कर सकते मदद। मदद हम उसकी कर सकते हैं जो आश्रय ले रहा है, जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट डॉक्टर की आश्रय लेता ना कि मेरे को बचाओ, और उसका फिर पहला प्रिंसिपल क्या है, तो डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, पेशेंट फिर अपनी नहीं लगा सकता, अपनी लगा रहा है तो फिर उसके डॉक्टर भी बोलेगा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मैं, तो हमेशा वो प्रिंसिपल तो है ही। ठीक है,
हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।